बैक टू माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली जो है कैलेंडर को लेकर और तमाम जो नई भर्तियां हैं उसको लेकर जो है फाइनली आयोग का जवाब आ गया है। आयोग ने कहा है कि भाई साहब, हम 15 अक्टूबर से पहले कोई भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने जो है कहा है कि भर्तियों के प्रस्तावों का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि अभी भी जो अधियासीन उनके पास आए हैं उनकी वो जो है यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, उनमें क्या खामियां हैं उनको दूर कर रहे हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा की कापियां अभी जो है चेक ही हो रही है, यानी कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को लेकर काफी यहाँ पर संभावना थी कि वो इस महीने आ सकता है, लेकिन सचिव साहब के बयान से साफ हो गया है कि भाई साहब, अब जो है पीसीएस के रिजल्ट में अभी और जो है देरी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, उसके अलावा जेई भर्ती के कई भर्तियों के विज्ञापन 15 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आशंकाएँ लगाई जा रही थी कि आरओ एआरओ का जो है विज्ञापन इसी माह आ सकता है, तो दो चार दिन ही बचे हुए हैं इस माह को ख़त्म होते होते। फाइनली जो है सचिव साहब ने इस मामले में अपनी राय बिल्कुल कर दी है कि भाई आप आर ओ ए आर ओ जेई और उसके अलावा तमाम और जो भर्तियां हैं उसके लिए अभी तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, 15 अक्टूबर के आसपास जो है विज्ञापन यहां पर जारी होंगे। और यहाँ पर जो दूसरी बड़ी बात की कैलेंडर को लेकर भी यहाँ पर बात की है कि राज्य लोक सेवा आयोग के कैलेंडर के हिसाब से 2 माह में होनी थी कई भर्तियां ऐसी जो कि कैलेंडर के हिसाब से होनी थी, और बकायदा कैलेंडर जो है रिवाइज्ड होके और जो है वो भी आने वाला था, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई भी कार्य नहीं किया गया। उसके अलावा समूह गौ की कई भी ऐसी भी भर्तियां हैं जो कि सही समय पर अभी कैलेंडर के अनुसार नहीं हो पा रहे, तो काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से जो गिरधारी सिंह रावत अध्यक्ष सॉरी सचिव है लोक सेवा आयोग के, और उनका जो बयान जा रही है उससे स्पष्ट हो गया है कि आर ओ ए आर ओ समय और उसके अलावा जेई की तमाम जो भर्तियां हैं आगे आने वाली उनमें भी थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। चल मिल गया।